यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मौसम के खुलते ही भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में पानी की किल्लत भी अब बढ़ने लगी है। गिरपार क्षेत्र सतोन में पानी की किल्लत सबसे ज्यादा देखी गई है। यहाँ पर हैंडपंप कहीं भी नजर नहीं आते हैं, ऐसे में पानी की समस्या वहां सबसे ज्यादा बनी हुई है। स्थानीय महिलाओं ने स्थानीय कर्मचारी पर पानी को फैक्ट्रियों में बेचने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा कि जब उनसे शिकायत की जाती है तो गाली गलौच उसकी ओर से किया जाता है। हिमाचल सरकार और आईपीएच विभाग से गुहार यहाँ पर स्थानीय लोगों की ओर से लगाई गई और कहा कि ऐसे ही कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो वहीं अधिशासी अभियंता ने जल्द पानी की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। पानी नहीं आ रहा हमारे बिल्कुल में, एक दो हफ्ता हो गया है बिल्कुल नहीं पानी आ रहा जी, सॉरी नदी, और अब उसके बाद बिल्कुल ना सुबह आ रहा ना दिन में आ रहा ना रात को आ रहा पानी, हमने पानी दे दिया, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। उसके हिसाब से तो अगर वो जो बंदा काम नहीं करता है तो उसकी तनख्वाह बंद करेंगे, दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं तो या दूसरा आदमी लगाते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे रॉबिन शर्मा, हमारे संवाददाता शिलाई से फोन लाइन पर हैं। रॉबिन, कितने समय से पानी की समस्या बनी हुई है और कब तक समाधान करने का आश्वासन दिया गया है? जी यहाँ पे इनका कहना है कि लगभग दो तीन दिन में हम फैसिलिटी दे देंगे लोगों को पानी की, लेकिन जो वहाँ पे कर्मचारी है वो ना तो लोगों की बातें सुनता है और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उनसे बदतमीजी करके बात करते हैं। जी यहाँ पर अगर शिकायत करते हैं तो सुनाई नहीं होती है, लेकिन अधिशासी अभियंता से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा दूंगा। जल्द से जल्द यानी कब तक? कोई उन्होंने ये समय तय नहीं किया कि तब तक जो है पानी की समस्या तय नहीं किया जी उन्होंने। जी रॉबिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं, गर्मी जो है वो अपने चरम पर है और ऐसे में पीने के पानी की समस्या भी लोगों के सामने बढ़ने लगी है। सतोन में सबसे ज्यादा ये समस्या है और ऐसे में पानी जो है लोगों को वो नसीब नहीं हो रहा है।